सीधा हो जाओ। चलो तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी एक बड़ा फिट किस्म का सवाल मुझसे एक बॉय ने किया। इससे पहले कि उस सवाल का आंसर देना मैं भूल जाऊं या मैं उसके कमेंट का रिप्लाई करूं, मैंने सोचा इस पे पूरी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार जर्मनी आना है तो क्या GRE देना ज़रूरी होता है, क्या IELTS देना ज़रूरी होता है, TOEFL देना ज़रूरी होता है, इसी तरह और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बड़ी कॉमन है, और फिर उन्हें बता दो कि हाँ यार इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करने के लिए IELTS चाहिए होता है, तो वो फिर कहते हैं कि यार IELTS तो ओखा है, सीन बैड है, मैंने दो बार दिया है, मेरे एक दफ़ा 5.0 आए हैं, एक दफ़ा मेरे 5.5 आ गए हैं, यूनिवर्सिटी 6.0 मांग रही है, 6.5 मांग रही है। तो इस किस्म के मसले काफ़ी लोगों को फेस करने पड़े हैं। तो अब वो कह रहे हैं यार हमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दो जहाँ पे उन्हें IELTS भी नहीं चाहिए, जहाँ पे GRE भी नहीं चाहिए, मतलब के हैं मुफ्त के पापड़ बेलने हैं, कोई नहीं, डोंट वरी। अच्छा, तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको IELTS दिए बगैर आपका गुजारा चल जाएगा, उन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो और आपका एडमिशन सीन ऑन हो सकता है। अगर GPA वगैरह अच्छा हो, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो तो सीन गुड है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। IELTS नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि IELTS का मुझे पता है, जब मैं भी अप्लाई कर रहा था, एक IELTS बड़ी एक मुसीबत होती है कि यार अलहदा से पहले उसके पैसे दो। अब तो IELTS की मेरे ख्याल है फीसेज भी बढ़ा दी है, मेरे ज़माने में 20,000 था, अब शायद कोई 25-30,000 हो गया है, आई डोंट नो, बट लेकिन एक हैक्टिक होती है अलहदा से कि यार पहले रट्टे मारो, सवाल में क्या पूछेगा, बोए हेलो हाउ आर यू भी याद करके जाओ, तो एक अलहदा से मसला है ना। तो खैर, अवॉइड करने के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ और भी होंगी लेकिन जो मेरे इल्म में है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जब आप वहाँ पे जाएंगे, उनका पोर्टल खोलेंगे, उनके एडमिशन रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है जहाँ भी अप्लाई करना है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो, ठीक है। अगर तुम उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट पढ़ते हो और वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया होता है कि यार अगर तुम्हारा कोर्स प्रोग्राम इंग्लिश में है, इफ़ यू स्टडीड योर बैचलर कोर्स इन इंग्लिश, देन तुम्हारा सीन फिट है। एक यूनिवर्सिटी से कहो हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना दे या हमें लैंग्वेज सर्टिफिकेट बना दे जिस पे बस सिंपली लिखा हो कि आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स इंग्लिश में था, और कुछ नहीं चाहिए, चाहे दो लाइनों में लिखा हो, बस लिख दें कि यार आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो था वो इंग्लिश में था। अब आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट नहीं, आप उनको आपको लेटर चाहिए होगा उस यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आपने बैचलर्स किया था कि यार हमारा कोर्स इंग्लिश में था, अब हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, हमारा मास्टर कोर्स भी इंग्लिश में ही है, तो हमें एक लेटर दे दो, ठीक है। वो आप लेटर यूनिवर्सिटी से ले लो और वही अटैच करके आप यूनिवर्सिटी को दे दो। इन सम केसेस ये चीज़ मेंशन नहीं होती वेबसाइट पे, तो आपको अब बेहतर ये है कि जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर होता है उसकी ईमेल भी गिवन होती है मोस्टली वेबसाइट की साइड पे, कि यहाँ पे उसे ईमेल करके पूछ लो कि यार मेरा कोर्स तो इंग्लिश में था बैचलर्स का, आपका मास्टर्स भी इंग्लिश में है, तो मैंने अप्लाई करना है, तो क्या मुझे IELTS देना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी पहली स्टडीज़ मैंने इंग्लिश में करके आया हूँ। तो कुछ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर आपको बता देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे केसेस आते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि यार अच्छा अगर इंग्लिश में है तो आप ना दो, ठीक है। जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी उल में इन्होंने वेबसाइट पर मैंशन नहीं किया था कि हमें IELTS नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो IELTS दिए बगैर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से पूछ लिया था, उनसे बात की थी कि यार ये सीन है, हमारे पास IELTS नहीं है, लेकिन हमारा कोर्स बैचलर्स में सारा इंग्लिश में था, तो हम आपको लेटर दे देते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमें और कुछ नहीं चाहिए, सही है। तो ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो अब चलते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ पे जहाँ पे आपको IELTS नहीं चाहिए, जैसा कि होकशुले एसलिंगन आ जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोब्लेंस है, आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ब्राउनश्वाइग है, आपकी यूनिवर्सिटी जिस तरह मैंने उल्म बताया है वो है, लेकिन उल्म के कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में IELTS नहीं चाहिए होता, कुछ में चाहिए होता है, तो वो डिपेंड करता है आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। इसी तरह होकशुले नोई उल्म है, होकशुले नोई उल्म में अगर आप उन्हें कहते हो कि मेरा बैचलर कोर्स इंग्लिश में था, उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देते हो, तो वो कहेंगे ठीक है हमें आपका IELTS नहीं चाहिए। इसी तरह की और यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, तो आप खुद रिसर्च करना, हो सकता है आपको और ज़्यादा मिल जाएं, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है जर्मनी में अराउंड 20-25% यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पे विदाउट IELTS आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ 75-80% यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे IELTS आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने IELTS देना ही देना है, ठीक है। तो इस वजह से आप कहते हैं कि IELTS से आपके ऑप्शन ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का चांस मिल जाएगा, आपकी प्रोफाइल वही बात के इनकम्प्लीट नहीं रहेगी जहाँ पे IELTS चाहिए होगा, लेकिन इन केस अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो जहाँ पे IELTS नहीं चाहिए, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्स अगर आपका पल्ले पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो IELTS देने की ज़रूरत नहीं है भैया, डायरेक्टली अप्लाई कर लो, सही है। उम्मीद है वीडियो काम आई होगी। और वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखनी है, ट्रैवल व्लॉग्स देखने हैं, भाई को सेंस पार्टी करते हुए देखना है, तो आप घंटी दबाएं,
घंटी होती है, हाँ घंटी दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, आगे फिर मिलते रहेंगे, ठीक है, ओके बाई।